हेलो गाइस, तो कल है मेरा बीए पार्ट टू का एग्ज़ाम और आज मैं आया हूँ अपने गांव के पड़ोस वाले गांव में, मतलब यहां पे चिल करने के लिए। और मैं यही कहूंगा हर युवा पीढ़ी से कि आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करें, कोई प्रेशर वगैरह नहीं ले जाता। जो पढ़े हैं सो लिखना ही होगा, सो ज़्यादा प्रेशर ना ले और कुछ अपने आप को शांत करे एक दिन रोज़ एग्ज़ाम से पहले, उसके बाद आराम से जाए एग्ज़ाम देने के लिए। वही हम भी करने आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, एक बूढ़ी गंडक है और यहाँ पे आराम से थोड़ा बहुत चिल करेंगे, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो चलिए आज की इस ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहिए और आप लोग सभी युवा पीढ़ी से मैं यही कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम प्रेशर में आके ना दे बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग वीडियो को। जहाँ पे एक्सपेंसिव हो और खर्चा लगा के मतलब घूमने जाना हो, मतलब ये हमारे गांव का व्यू पॉइंट है, समझे, बगल के पड़ोस वाले गांव का व्यू पॉइंट। और ये हमारे साथ बाबा है, बैचलर बाबा, आप लोग जानते होइएगा बाबा को। सो आया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी सी हवा बह रही है और यहाँ पे पुल है, ब्रिज है और ये बूढ़ी गंडक है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और बहुत यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, वायु वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद चल जाएंगे अपने घर की ओर, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और हमारे एक मित्र और है जो आ रहे हैं, वो थोड़ा दुकान में गए हैं कुरकुरे वगैरह के लिए। और देखिए यही बहुत बढ़िया यहाँ का व्यू है और लग रहा है जैसे गोवा का बीच है, मतलब गोवा गोवा से कम नहीं है, बस भाई साहब इतना बता रहे हैं, गोवा से कम नहीं है, बस इसको फील करना चाहिए, मतलब अंदर से आना चाहिए कि हाँ गोवा में है, गांव की गांव गोवा। और गाइस देख सकते हैं यहां पे किस तरीके का व्यू है, मतलब यहां का हमने बहुत पहले एक बार ब्लॉग बनाई थी और यहां का व्यू बहुत ही सुहाना और प्यारा कह सकते हैं, क्योंकि यहां का जो सनसेट होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। जब सनसेट का वक्त होता है, आप लोग देख सकते हैं अभी सनसेट का वक्त है और यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहाना लग रहा है। और यहाँ बहुत तेज़ अभी हवा बह रही है, सो बहुत मस्त लग रहा है। और ये देख सकते हैं बूढ़ी गंडक। तो गाइज गोवा जाए या नहीं जाए, मतलब इस आपके गांव में इस तरीके का अगर व्यू पॉइंट है तो वहां पे आप जरूर जाए और थोड़ा बहुत चिल करें। और आज की इस ब्लॉग वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे भाई लोग यहां पे कुछ कर रहे हैं, आई थिंक मतलब कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं। तो चलते हैं आज की इस ब्लॉग वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।